उस जिंदगी में सबसे बड़ा काम जो आप करने आए हैं वो यही है, इस बात को आप भूलिए मत। इसलिए शांत और गंभीर रहना ये पहली प्राथमिकता है पढ़ने की, इसलिए शांत रहिए, गंभीर रहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप नौकरी की तैयारी करने वाला एक बेरोजगार युवा है। अगर किन्हीं को भरम होता है कि वो विद्यार्थी हैं तो इस भरम से बाहर निकलिए। इसलिए दोस्तों शांत और गंभीर बने रहिए, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे हैं, और ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है और कई लोग कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट भी दे रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो अभी ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दीजिए, और अभी ऑनलाइन क्लास को फ्री ही रखे हुए क्लास को फ्री रखिए, ठीक है। कई लोग बिल्कुल फ्री नहीं है तो अभी से फ्री हो जाएगा, ठीक है, अभी से फ्री हो जाएगा, समझ लिया है ना। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास को भी फ्री रखे हुए ताकि जो नहीं आ रहे हैं गर्मी के कारण या जिनको गर्मी ज़्यादा लगता है, खुद हमको भी ज़्यादा लगता है, तो ऑनलाइन क्लास कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत का सिलसिला 68, थोड़ा आवाज़ कम कर दीजिएगा, थोड़ा सा 5%, तो अब बहुत कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ाइए, तो फिर हल्ला कर रहे हैं। 67 पर हैं और 68 पर आज से हम शुरुआत करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसी तरह के प्रश्न, अब सुनिए हमारी बातों को, सुनिए, ठीक है ना, हमारी बातों को सुनिएगा, थोड़ा बेहतर होगा। तो गुहा, तरल युक्त गुहा, एक और हम कोशिकीय संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे ना। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक कोशिकांग है, और इनमें उंगली के समान जो संरचनाएं निकली होती है उन्हें क्रिस्टी कहते, क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते, इसे क्रिस्टी कहते, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर भी एक तरल युक्त गुहा है, और तरल के रूप में इसमें कोशिका द्रव के समान तरल भरे हुए हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंगक के जो तरल युक्त गुहा है इसको हमने नाम दिया है मैट्रिक्स, नाम दिया था, क्या नाम दिया था, हमने नहीं, जीव वैज्ञानिकों ने ही नाम रखा है, मैट्रिक्स कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन यहां माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं पूछा है, किसके बारे में पूछा है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछा है, कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर के तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है यह एक प्रकार का प्लास्टिड है, क्या है, हम जानते हैं कि प्लास्टिड जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और ये कहां रहते हैं और क्या चार्ज करते हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट और जिस प्रकार की संरचना ल्यूकोप्लास्ट की होती है उसी प्रकार की संरचना क्रोमोप्लास्ट की होती है, यानी कि यहां पर या क्रोमोप्लास्ट दे दे तो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ भाग है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ भाग है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया और तमाम तरह के प्लास्टिड ही है जो डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, और इसके भीतर के तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं, क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर के तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के भीतर के तरल युक्त गुहा को, या ल्यूकोप्लास्ट के भीतर के तरल युक्त गुहा को, या क्रोमोप्लास्ट के भीतर के तरल युक्त गुहा को। प्लास्टिड के कार्य अलग अलग हैं लेकिन संरचनाएं एक समान है, और तीनों ही प्लास्टिड के भीतर के तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर। दो ही तरल युक्त गुहा है, मैट्रिक्स और एस्ट्रोमा, क्लियर। ध्यान दीजिए, कोशिका कला, और कोशिका कला को हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और अंग्रेजी में सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली आप पढ़े हैं ना, उसी कोशिका झिल्ली का पर्यायवाची है कोशिका कला। कभी कभी बायोलॉजी में हिंदी रूपांतरण अलग अलग शब्दों से हो जाता है, तो कोशिका झिल्ली या कोशिका कला वर्णात्मक पारगम होती है, वर्णात्मक पारगम का मतलब अर्ध पारगम होती है, क्या होती है, अर्ध पारगम होती है, अर्ध पारगम होती है, क्योंकि दोस्तों कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को, कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली बोले थे, क्या बोले थे, कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, पारगम होता है, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम है, इसका क्या मतलब हुआ, पारगम अर्थात कोई रोकटोक, जब कोई रुकावट के तब हम कहते हैं कि यह परत पारगम है, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है, अर्ध पारगम। अब अर्ध पारगम का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आधा जाएगा आधा नहीं जाएगा, बल्कि अर्ध पारगम का अर्थ यहां पर यह है, अर्ध पारगम का अर्थ यहां पर यह है कि कोशिका झिल्ली से होकर न तो सभी पदार्थ बाहर आ सकते हैं, और कोशिका झिल्ली से होकर न ही सारे पदार्थ अंदर जा सकते हैं।
कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली न तो सभी पदार्थ को कोशिका के बाहर निकलने देती है न ही बाहर से सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है। तो फिर क्या करती है? तो ये कोशिका झिल्ली केवल उसी पदार्थ को अंदर आने देती है जिसकी जरूरत कोशिका को है, यानी कि जरूरत के पदार्थ को ही या कोशिका के भीतर आने देती है। और ऐसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर मर गए हैं, मृत हो गए हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो कोशिका के भीतर अब कोई काम के नहीं रह गए हैं, उसी को या बाहर जाने देती, यानी कि आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतर आने देती है सभी पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थ को ही कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर जाने देती है सभी पदार्थों को। और इसी गुण को, इसी गुण के कारण कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली में जो यह गुण है कि वे आवश्यक पदार्थों को ही भीतर आने देगी और अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देगी, इसी गुण को हम कहते हैं सेमी परमेबल प्रॉपर्टीज, सेमी परमेबल कैरेक्टर, अर्ध पारगम गुण। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम या वर्णात्मक पारगम इसलिए है कि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को क्या कर देता है? रोक देता है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि यह आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका के भीतर जाने देती है तथा अनावश्यक पदार्थों को ही कोशिका के बाहर निकलने देती है। यानी कहिए कोशिका झिल्ली सिक्योरिटी है, ठीक है, गड़बड़ सब न आएगा अंदर, और जो गड़बड़ है वो निकल जाएगा। ये किसका काम है? आपसे पूछ देगा कि कोशिका का सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं? कोशिका। और ऐसा क्यों ना कहेंगे, इसका कारण समझे कि ना आप? समझा दीजिएगा कि नहीं? जनरल कंपटीशन का तैयारी करने का सिर्फ समझने भर से नहीं है, दूसरों को समझाने से भी है। समझे कि नहीं समझे? आगे आइए। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? दो जगह, एक हरित लवक यानी कि प्लास्टिड में, और दूसरा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग कहे हैं, इस तरह के प्रश्न पीछे बनाए हुए हैं। दोस्तों जानते हैं ये डीएनए जो है ना एक प्रकार का अणु है, मॉलिक्यूल्स, और इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में डीएनए जैसा कोई अणु नहीं है। कारण क्या जानते हैं? डीएनए में इतनी क्षमता है कि यह दूसरा डीएनए तैयार कर सकता है, यानी या अपना फोटो स्टेट कर सकता है, जिस तरह जंतु बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह एक डीएनए मॉलिक्यूल्स खुद दूसरा डीएनए तैयार कर सकता है ना, बड़ा पावरफुल मॉलिक्यूल्स, और इसी से इस पृथ्वी पर सजीवों के जीवन का आधार बना। ये बड़ा महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल्स है, ये केवल कोशिका के केंद्रक के पास रहता है, लेकिन कोशिका के केंद्रक के बाहर ये दो जगह मिलता है दोस्तों, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा लवक में। और लवक कहने का मतलब तीनों प्रकार के लवक में रहते हैं, जिसके पास ये है वो बड़ा पावरफुल है, उसे अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका के भीतर जितने अंगक होते हैं उन्हें अपने कार्य करने के लिए पहले सेल के न्यूक्लियस से, कोशिका के केंद्रक से परमिशन लेना होगा, या परमिशन देगा तब वो कार्य करेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक जो है जरूरत पड़ने पर ही लेता है क्या परमिशन? किससे? केंद्रक से। बहुत कम वो किसके भरोसे कर लेता है। तो आपसे पूछेगा कि कोशिका अंगक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और केंद्रक के बाहर डीएनए कहां कहां पाया जाता है? क्लियर। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटक? पौधे के कोशिका भित्ति के संरचनात्मक घटक क्या है दोस्तों? तो एक हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, वो कौन था? क्योंकि कोशिका भित्ति पौधे के सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट से ही बना हुआ था, लेकिन यहां पर आपका ऑप्शन सेलुलोज है ही नहीं, अब क्या करिएगा? तो दोस्तों यहां पर हमें पूछ रहा है खनिज लवणों को देखकर कि कोशिका भित्ति संरचनात्मक घटक का मतलब हुआ संरचना बनाने वाली इकाई। और अगर हम जाएंगे जैव अणु पर तो कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक क्या है? लेकिन अगर खनिज लवण पूछेगा तो क्या दीजिएगा? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम है। कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक कैल्शियम है, कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर इसका उत्तर मैग्नीज दिया हुआ रहता है, वो गलत है। इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या होगा? अगर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में रहेगा और पूछेगा कि कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन है, तब क्या दीजिएगा? और खनिज रहेगा तब। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन एक अर्ध पारगम है? बताइए, दूसरा कोई अर्ध पारगम है ही नहीं, क्या है? और कोशिका भित्ति जो है या पारगम होता है, इसमें कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा। क्या होता है? पारगम होता है, यानी कि इससे होकर सारे पदार्थ अंदर बाहर हो सकते हैं, कोई रोक टोक कोशिका भित्ति के द्वारा नहीं होता है। तो एक और जहां कोशिका का कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है, वहीं दूसरी ओर कोशिका का कोशिका भित्ति क्या होता है? पारगम होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है? पारगम होता है। क्लियर। अब देखिए, कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तब तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बी। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली एक दूसरे के पर्यायवाची है, या कोशिका कला का, ये तीनों का हिंदी रूपांतरण एक ही है। तो कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली दोनों आंसर होगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली का ही एक और दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। तो यहाँ पर मिस्टेक का ऑप्शन आपको पता है ना, तो आप याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका कला क्या होता है, लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति क्या होता है? नेक्स्ट। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है?
कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, और आप भी कोशिका के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसमें कौन सही नहीं है? पहला कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। कोशिकाओं के आकार और अमाप यानी कि साइज एंड शेप, साइज एंड शेप, आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते, बिल्कुल सही है। अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के आकार और आकृति भी क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि कोशिका का आकार और आकृति क्या होगा, यह कोशिका के कार्यों पर ही निर्भर करता है। समान कार्य करने वाले कोशिका के आकार और आकृति भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अब आदमी के लीवर के कोशिका को बाहर निकालिए, गाय के लीवर के कोशिका को बाहर निकालिए, समान मिलेगा। क्या होते हैं? एक ही अंग लीवर, उसके कार्य दोनों अंगों में समान है, दोनों जीवों में क्या है? लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि आंखों के रेटिना में जो कोशिका है, क्या वो नाकों में भी वही कोशिका है? नहीं, अलग अलग। आंखों के रेटिना के कोशिका का आकार और आकृति कानों के कोशिका से मेल नहीं खा सकता है, क्योंकि दोनों के कार्य अलग अलग हैं, और अगर कोशिका के कार्य अलग अलग हैं तो उनके आकार और आकृति भी अलग अलग होंगे। अगर कोशिका समान कार्य कर रही है तो उसके आकार और आकृति भी क्या होंगे? पहला कथन क्या दोस्तों? सही है, पहला कथन सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल। कुछ कोशिकाएं अपना आकार पल पल बदलते रहता है। जैसे एक एक कोशिकीय जीव है अमीबा, या यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, और यह एक कोशिकीय है, तो इनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, और यह अपने पल पल अपनी आकृति को क्या करते रहता है? बदलते रहता है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी पता नहीं कैसे, यानी पल पल आकृति को बदलते रहता है। और अमीबा पर क्यों जाए? हमारे रक्त में ही एक कोशिका जिसका नाम क्या है? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, या व्हाइट ब्लड सेल्स, जो भी कह लीजिए, यह रक्त की कोशिका है, और यह कोशिका भी अपने आकार को पल पल क्या रहती है? बदलते रहती है। कभी कोशिकाएं हैं जिनके आकार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। गलत होना ही पड़ेगा, फिर भी पढ़ देते हैं। सभी देह मतलब शरीर, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, हैं? हाथ में जैसी कोशिका वैसे ही आंखों में भी है, हर जगह अलग अलग कोशिका, तो इसका मतलब ये सरासर गलत है कि ना है? तो दोस्तों 73 नंबर के सवाल को समझे कि नहीं समझे? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो डी नंबर सही नहीं है। सभी देह कोशिकाओं में एक ही तरह की कोशिका नहीं होती है, अलग अलग तरह की कोशिका होती है, अलग अलग तरह की कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। यह एक प्रकार का जीवाणु है, यह एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की एक प्रजाति है, और अब तक वैज्ञानिकों ने जितने सजीवों के बारे में पता लगाया है, हालांकि इस पृथ्वी पर जितने सजीव पाए जाते हैं ना, उनमें वैज्ञानिकों ने, हमारे जीव वैज्ञानिकों ने मात्र कितना का पता लगा पाया है? मात्र 20%। यानी इस पृथ्वी पर 80% सजीवों के बारे में आज भी पता लगाया जाना बाकी है। आप कहिएगा कि इतने 80% अभी तक बाकी है, तो हमारे जीव वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं, पता क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो दोस्तों इस पृथ्वी पर आज भी कई ऐसे पर्यावरण है, तो वहां पर वैज्ञानिक कौन जाएंगे, खोज करेंगे? इस पृथ्वी पर कालाहारी मरुस्थल के बीचों बीच जाना अब तक संभव नहीं हो पाया है, आज भी संभव नहीं हो पाया है, और इसलिए वहां पर कौन कौन सजीव निवास करते हैं, इसका पता आज भी लगाया जाना बाकी है। तो अब तक वैज्ञानिकों ने जितने सजीवों, सबसे छोटी कोशिका किसमें है? माइकोप्लाज्मा में। इससे और पता नहीं लगा है, अगर है भी जानकारी अब तक नहीं मिली। और अगर सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी कोशिका का आकार शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की लंबाई गुना चौड़ाई 170 गुना 135 मिलीमीटर बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि आंखों से अस्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों कोशिका एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के सहायता से हम किसी एक कोशिका को नहीं देख सकते हैं। अपवाद स्वरूप शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका इतनी बड़ी है, और ऐसा कैसे दोस्तों? प्रकृति है, कुछ भी संभव है, समझे कि नहीं समझे? तो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। नेक्स्ट, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजिकल सेंटर कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। हमारे वैज्ञानिक नहीं लगा पाए, कोशिका के बारे में अभी भी बहुत कुछ जाना जाना बाकी है, और इस हेतु हर विकसित एवं विकासशील देश सेंटर है, अपने भारत में भी है, और कहाँ पर है? और हैदराबाद कहाँ पर है? राज बोलिए ना। पीछे वाले ध्यान दे रहे हैं, कहीं नहीं चुना रहे हैं, ध्यान दीजिए। 76 नंबर, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब मिलकर क्या कहलाता है? जीव द्रव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जिसका खोज सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था। इस जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या आता है? तो कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है?
कोशिका के भीतर कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक है और सेल का न्यूक्लियस है, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक कोशिका द्रव और कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न कोशिका अंगक सभी सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। कोशिका द्रव है केंद्रक द्रव, केंद्रक के भीतर भी द्रव्य पदार्थ रहते हैं और वो कोशिका द्रव के ही समान रहते, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें, और कोशिका के केंद्रक के भीतर में रहने कोशिकाओं का मतलब तो आप समझ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राजधानी, ये सभी के सभी क्या है? और कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी कोशिका अंग है, सॉरी जीव द्रव के भाग है, वो क्या है? क्लियर? और आपको ऑप्शन जीव द्रव का जीवित अंश क्या कहलाता है? जीवित ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र उनके कोशिका के केंद्र क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र केंद्रक में कोशिका केंद्रक में एक संरचनाएं पाई जाती है गुणसूत्र, और गुणसूत्र की संरचना क्षार के समान होती है, इसको भी हम क्लियर किए थे क्वेश्चन में, जिसके बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? टेलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों अंतिम सिरे को क्या कहते हैं? और गुणसूत्र के भी भीतरी भाग को हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भी भीतरी गुहा को क्या बोले थे? गुणसूत्र के भी भीतरी भाग को क्या बोलते हैं? तो गुणसूत्र की संरचना का एक बार एक क्वेश्चन में हम जिक्र जरूर किए थे। तो ये लक्षणों को माता पिता के गुण से ही मेल खाते हैं, तो माता पिता के गुण उनके संतानों में आते हैं। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाली वो संरचनाएं हैं जो प्रत्येक सजीवों के कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोजोम की संख्या निर्धारित होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए अगर हम मानव की ही बात करें, अगर हम मानव की ही बात करें तो मानव में कितना होता है? 46। और प्रत्येक सजीवों में गुणसूत्र की संख्या क्या समान होती है? उससे अधिक नहीं हो सकता। मानव में 46 होते तो 46 ही होगा, 47 होगा तो फिर वो मानव मानव नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। बात को समझ रहे ना? तो कह रहा है कि सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n का मतलब जोड़ा, 2n का मतलब जैसे कि मानव में गुणसूत्र 46 से यानी 23 जोड़ा, तो 2n के स्वरूप का मतलब है कि आप इस तरह आंसर दीजिए। हालांकि पूछ रहा है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में। ओफियोग्लोसस पृथ्वी का एक पौधा है, प्लांट, या क्या है? पौधा है, या एक पौधा है, और एक इसके एक कोशिका के केंद्रक में 630 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। कितना? 630 यानी कितना? 1200 पार्ट। तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र जो है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र जो है वो ओफियोग्लोसम में पाया जाता है। ओफियोग्लोसम एक पौधा है, ओफियोग्लोसम एक पौधा है, और इस पौधे के कोशिका में, कोशिका एक कोशिका में 630 जोड़ा क्रोमोजोम पाया जाता है। इससे अधिक क्रोमोजोम वाला सजीवों की खोज अब तक नहीं हुई, और सबसे कम बैक्टीरिया में मात्र कितना? एक। कोई भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सजीव में गुणसूत्र की संख्या कितनी? एक होगी। गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाया जाता किसमें? ओफियोग्लोसम में। कितना पाया जाता है? 630 जोड़ा यानी 1260, 630 जोड़ा यानी 1200। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में। किसमें? अब प्रोकैरियोटिक से कौन बने हैं? जीवाणु बने हैं, और जीवाणु का एक और वर्ग है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल को क्या कहते हैं? साइनो। इस बैक्टीरिया की खासियत यह है कि ये पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, पौधों के समान। तो वास्तविक केंद्रक किसे कहते हैं? इसका भी जिक्र हम पिछले प्रश्न में किए हुए हैं कि वास्तविक केंद्रक किसे कहते हैं, और वास्तविक केंद्रक जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बने सजीवों में नहीं पाया जाता है, और इस पृथ्वी पर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है केवल कौन? जीवाणु। और जीवाणु का ही एक प्रजाति है कौन? साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल। आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर कंफ्यूजन पैदा किया है, क्या देकर? हरे शैवाल देकर, लेकिन हरे शैवाल नहीं, इसका उत्तर दूसरा क्या हो सकता है? हालांकि शैवाल भी बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से अलग इसे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें पदार्थ, सॉरी, पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, और इसके अतिरिक्त कहीं पर भी वास्तविक केंद्रक नहीं। इसी यही होगा आंसर, बाकी सब में वास्तविक केंद्रक होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? नोल एबाम है, रस्का ने। नोल एबाम है,
रस का किया है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खासियत है, देखिए सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखिए मानव आंख छोटी से छोटी वस्तु को देख नहीं सकता है, मानव की आंखों की देखने की अपनी एक क्षमता होती है, हमारा आंख जो है ना 0.1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु को नहीं देख पाएगा, देखने का जो रेंज है वो अधिकतम कितना है, एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ आंख 0.1 मिलीमीटर से छोटी वस्तु को नहीं देख सकती है, लेकिन देख सकती है लेकिन किसके सहायता से। और इस सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने किया था, जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने किया था, दोनों भाई थे। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले जेड जॉनसन एच जॉनसन ने किया, इसके बाद एक सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ यौगिक सूक्ष्मदर्शी, कौन सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसे हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब इसमें दो दो लेंस लगे होते, जो कोई भी इंटर किए होंगे प्लस टू में फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में कि दो लेंस लगा हुआ सूक्ष्मदर्शी होता है, एक को नेत्रिका कहते हैं, एक को नेत्रिका कहते हैं, एक को अभिदृश्यक कहते हैं। तो एक सूक्ष्मदर्शी ऐसा होता है जिसमें दो दो लेंस लगे होते हैं, और जब ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो दो लेंस लगे उसे क्या कहते हैं। और यौगिक सूक्ष्मदर्शी का खोज क्या था, ल्यूवेनहॉग ने किया था, क्या क्या था, ल्यूवेनहॉग बैक्टीरिया के भी खोज किए थे, कई चीजों का खोज किया था। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का खोज सबसे पहले किसने किया, सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया, जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन, ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें दो दो लेंस लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया। और आगे चलकर 1932 में नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया, ये बहुत ही पावरफुल सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण को भी हम आसानी से कई गुना बड़ा आकृति में देख सकते हैं, क्लियर। अंतःप्रद्रव्य जालिका का खोज किसने किया, पोर्टर ने किया, ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए, हालांकि खोजकर्ता में कई लोग जुड़े हैं, अब पढ़िएगा नोट में, ऊपर में पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी तो बहुत है, व्यवस्था करते सारा व्यवस्था फैल हो जाता है, करे तो करे किया, एसी तो एसी वाला तो कल हाथ खड़ा कर लिया, का कितना काम करेगा, इसीलिए हम आने के साथ ने बोले कि संभव है ऑनलाइन क्लास पर, और कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, हम तो एकदम धीमी गति से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हम हमारे प्राइम किन को दिक्कत हो रहा है तो मतलब इसका मतलब है नौकरी करने की इच्छा उसे प्रबल नहीं है, ठीक है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाए और आप एक क्वेश्चन को मतलब स्पीड से खींचे नहीं खींचे, और आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे भी नहीं, सेल का क्वेश्चन होगा तो पूरा होगा, पूरा यानी पूरा सिलेबस होगा, उसके बाहर ना क्वेश्चन है ना पूछा जाएगा, क्लियर। तो हम आपको प्रश्न का समूह नहीं बता पढ़ा रहे हैं, पूरा प्रश्न की डिक्शनरी पढ़ा रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं प्रश्नों को याद कीजिए। क्रोमोजोम शब्द किसने प्रदान किया, क्रोमोजोम शब्द किसने प्रदान किया, तब ध्यान दीजिए कि क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, इसके कार्य ये कहां रहते हैं, क्लियर, ये कहां रहते हैं, कोशिका के केंद्रक में, किस कोशिका के केंद्रक में, सभी कोशिका के केंद्रक में, क्या करते हैं, गुणों को ले ढोकर माता पिता के गुणों को ढोकर संतानों में हस्तांतरित करते हैं। तो इस गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र की खोज सबसे पहले हॉफमिस्टर ने किया था, किसने किया था, हॉफमिस्टर ने किया था, लेकिन हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र का नाम जो है, गुणसूत्र का नाम जो है न्यूक्लियर फिलामेंट रख दिया था, क्या रख दिया था, न्यूक्लियर फिलामेंट रख दिया था। आगे चलकर न्यूक्लियर फिलामेंट का नाम बदलकर वाल्डेयर ने क्या रखा, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम रखा, क्रोमोजोम रखा दोस्तों। तो गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर के द्वारा हुआ, लेकिन हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र का खोज करके उसका नाम क्या रखा, और आगे चलकर न्यूक्लियर फिलामेंट का नाम बदलकर गुणसूत्र किसके द्वारा किया गया, वाल्डेयर के द्वारा किया गया। तो आंसर यहां पर क्या होगा, कंफ्यूजन के लिए हॉफमिस्टर को भी दे दिया गया, लेकिन आप हॉफमिस्टर और वाल्डेयर के कार्यों में अंतर कर पाए कि नहीं कर पाए, अंतर कर पाए कि नहीं कर पाए। तो गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर के द्वारा किया गया, इसका नाम रखा गया न्यूक्लियर फिलामेंट। हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र का नाम खोज करके क्या रखा था, बाद के समय गुणसूत्र नाम रखने वाले कौन थे, और प्रश्न है कि गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया, तो वाल्डेयर ने। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान कौन करता है, तो कोशिका को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करता है कोशिका, और कोशिका भित्ति एब्सॉर्प्शन में नहीं रहेगा, तब आप क्या दीजिएगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है। पौधे की कोशिका नियमित आकार के होते हैं, लेकिन जंतु के कोशिका नियमित आकार के नहीं होते हैं। तो पौधे की कोशिका निश्चित आकार में जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो कोशिका को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति, लेकिन अगर कोशिका भित्ति ऑप्शन में ना दे तो क्या होगा, कोशिका झिल्ली, क्लियर। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन साकित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल, बताइएगा, कई बार इसको बताए हैं, यह क्या है, अंतःप्रद्रव्य। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन साकित, यह साकित भी होता है यानी शाखाएं भी निकली होती है, साकित झिल्लीदार झिल्ली लगी रहती है, और अनियमित नलिकाओं का घना जाल अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जो दो प्रकार के होते हैं, और ये बात आप पिछले प्रश्न में ही समझ चुके हैं।
प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल बताइएगा, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है, राइबोसोम इसका एकमात्र कार्य है, राइबोसोम का एकमात्र कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, बात को समझे कि नहीं समझे, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और राइबोसोम कोशिका सबसे छोटा कोशिका अंग कौन है, बिना झिल्ली वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, उपर्युक्त सभी रिक्तिकाएं का मतलब वैक्यूल है दोस्तों, वैक्यूल जिसको हिंदी में एक और नाम रसधानी से जाना जाता है, रसधानी से जाना जाता है, हालांकि रसधानी कुछ जंतु कोशिका में भी होती है लेकिन या तो वह बहुत छोटी होती है। क्लियर। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन की प्रक्रिया हमारे कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। तो क्वेश्चन बदल कर भी पूछ सकता है, एटीपी निर्माण का सक्रिय स्थल, एटीपी एटीपी संग्रह का सक्रिय स्थल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ना सिर्फ एटीपी के रूप में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है बल्कि एटीपी के रूप में ऊर्जा का संग्रह भी यही होता है, और यही कारण है कि इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट 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 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं तो तीन प्रकार के प्लास्टिड, तीन प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पौधे के सभी हरे भाग में, चाहे फूल हरा हो, पत्ती हरा हो, तना भी हरा हो, तो वहां पर क्या है। उसके बाद दूसरा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट हरे रंग के अतिरिक्त, हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग वाले भाग में पाया जाता है। और तीसरा है आपका क्या, ल्यूकोप्लास्ट, ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से। तो पौधे में तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं, पौधे के तमाम हरे भाग में स्थित कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हरे भाग के अतिरिक्त अन्य रंग, जैसे फल का रंग पीला है, लाल है, फूल का रंग रंग बिरंगा है, तो हरे रंग के अतिरिक्त अन्य कोई भी रंग है पौधा में तो उस भाग के कोशिका में क्रोमोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों में होते हैं जो भाग सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, और सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन होते हैं सर, उसके बाद भूमिगत तना। दोस्तों तना भी कुछ होते हैं, वो भूमि के भीतर होते हैं, और जो तना भूमि के भीतर हो गया वो सूर्य के प्रकाश से क्या हो गया, वंचित हो गया। अब उन भागों के कोशिकाओं में क्या होगा, तो अवरणी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो भाग सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, और आंसर क्या होगा। क्लियर। फूल और बीजों के विभिन्न प्रकार को आकर्षक रंग बताइएगा, अभी तुरंत बताएं क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट, ये होनोप्लास्ट कुछ नहीं होता है, समझे। पत्तियों का हरा रंग बताइएगा, क्लोरोप्लास्ट, कोई दिक्कत। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम, किसे कहते हैं, लाइसोसोम। दोस्तों कोशिका की आयु निश्चित होती है, हर कोशिका की आयु निश्चित होती है, घंटों से लेकर कई दिनों तक कोशिका की आयु होती है। जब कोशिका के मृत समय यानी कि आयु पूरी कर लेती है तो उसका मृत्यु कैसे होता है, तो आयु पूरा करने पर कोशिका के भीतर का लाइसोसोम फट जाता है, और हम लाइसोसोम के बारे में बताएं कि उसके भीतर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो बड़ी पावरफुल होता है, और अंततः उस कोशिकाओं से, अतः उस पाचक एंजाइम से कोशिका क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। और जब कोशिका ही मृत हो जाते हैं तो लाइसोसोम भी मृत हो जाते हैं, यानी खुद अपने पाचक एंजाइम से लाइसोसोम खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, मर जाता है, इसीलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम कोशिका को मृत होने में सहायता करता है, लेकिन अगर कोशिका की आयु पूरी नहीं हुई है और कोशिका के अंदर कोई व्यवधान पैदा होने के कारण लाइसोसोम फट गया तो भी कोशिका मर जाएगा, तो भी कोशिका, तो आयु पूरी कर ले कोशिका तब तो लाइसोसोम फटेगा ही फटेगा, लेकिन अगर किसी व्यवधान के कारण कोशिका का लाइसोसोम आयु पूरी करने से पहले फट गया फिर भी कोशिका की मृत्यु तय है, फिर भी कोशिका की मृत्यु तय है। लाइसोसोम में पाए जाने वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ भूल चुक से हाइड्रोक्लोरिक नहीं बोल दीजिएगा, हाइड्रोलाइटिक। और हाइड्रोलाइटिक एक सम्मिलित नाम है, लाइसोसोम के भीतर 20-21 प्रकार के पावरफुल एंजाइम होते हैं, और सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है, सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, पादप के कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, जंतु का कोशिका झिल्ली, जंतु का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग, यहां देखिए मिस्टेक है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, यहां प्लास्टिक की जगह प्लास्टिड लिख लीजिएगा, तो ये बात हम जान चुके हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। क्लियर। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस,
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि श्वसन की पूरी प्रक्रिया यहीं पूरी होती है और एटीपी के रूप में ऊर्जा यहीं पर बनता है और बना हुआ ऊर्जा एटीपी के रूप में यहीं संचित होता है। ऊर्जा संग्रह करने के कारण ही हम कोशिका को पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं। नेक्स्ट, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो श्वसन नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जिसमें भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण। हम जो भोजन करते हैं वह अंततः पच करके हमारे कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। श्वसन के दौरान भोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना क्या कहलाता है? तो यहां पर क्या होगा आंसर? क्लियर? ये भी नहीं रह सकता क्या? क्लियर? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? क्योंकि राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोश, वनस्पति का मतलब पौधा, वनस्पति का मतलब कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? बताइएगा। सेंट्रीओल, सेंट्रीओल या ओल होगा। ये क्वेश्चन हम एक बार किए हुए थे। सेंट्रोसोम के भीतर के संरचना क्या कहते हैं? अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा किससे, तो सेंट्रोमियर में कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए जान जाइए कि सेंट्रोमियर गुणसूत्र का भाग है। किसका भाग है? गुणसूत्र का भाग है। गुणसूत्र की आकृति छड़ के समान होती है ना, तो गुणसूत्र की आकृति में जहां से गुणसूत्र दो भुजाओं में बटे नजर आते हैं उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम में कंफ्यूजन नहीं करना है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र का हिस्सा है। गुणसूत्र में दो भुजाएं होती हैं, जहां से भुजाएं बटे नजर आते हैं वहीं पर एक गोलाकार संरचना होती है और गुणसूत्र के यही गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर गुणसूत्र का भाग है। हम वनस्पति और जंतु कोशिका के बीच अंतर सेंट्रोसोम के आधार पर कर सकते हैं और सेंट्रोसोम से ही जुड़ा संरचना क्या है तो इस आधार पर भी हम कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन पौधे या वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाते। क्लियर? नेक्स्ट, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक। सेल जो है दोस्तों एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा भी, रॉबर्ट हुक सेल को खोजा भी और उन्होंने ही नाम रखा क्या? सेल। और सेल लैटिन वर्ड में क्या अर्थ होता है? तो जब पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा तो रॉबर्ट हुक को सेल माइक्रोस्कोप में मधुमक्खी के छत्ते में जो घर होते हैं छोटे छोटे उसी के समान दिखाई दिया, यानी छोटे छोटे घरों के समान दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा? सेल रखा। तो सेल को खोजा भी कौन? रॉबर्ट हुक। सेल का नाम सेल रखा भी कौन? और सेल कैसा शब्द है? लैटिन शब्द में सेल का वास्तविक अर्थ क्या है? सेल का वास्तविक अर्थ क्या है? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने सिर्फ सेल को खोजा था। रॉबर्ट हुक यह बताने में सफल नहीं हुए थे कि सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से ही हुआ है इस बात की जानकारी तब लगी जब सेल थ्योरी पेश हुआ। क्या पेश हुआ? तो आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा लेकिन रॉबर्ट हुक यह नहीं बताए थे कि सेल से ही प्रत्येक सजीवों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है इसकी जानकारी तब प्राप्त हुई जब स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? सेल में एक न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका के बाद कोशिका के केंद्रक की ही खोज हुई। कोशिका के भिन्न भिन्न भागों की खोज किस किस समय हुई इसका पूरा हिस्ट्री आपके नोट में दिया होगा। डीएनए डबल हेलिस प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? अब डीएनए अणु के बारे में इससे पहले भी हम कुछ बताए थे ना। तो डीएनए एक अणु है लेकिन यह बेहतरीन अणु है। तो हर अणु की अपनी आकृति होती है। हर अणु की, जैसे जल का अणु H2O, जल का अणु आप जानते हैं कि H2O की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार होती है, यानी कि अंग्रेजी के भी अक्षर के समान होती है। अंग्रेजी के भी अक्षर के समान होती है। जैसे हीरा के अणुओं की आकृति समचतुष्फलकीय होती है, पढ़े ना केमिस्ट्री में। तो ठीक उसी तरह डीएनए भी अणु है और इसके अणुओं की आकृति होती है। डीएनए के अणु की आकृति डबल हेलिक्स मॉडल के, डबल हेलिक्स होती है। देखिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से डबल हेलिक्स, ये हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। तो डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स की तरह होती है और इसको पहली बार क्लियर किया किसने? यानी डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स मॉडल की तरह होती है यह पहली बार किसने पता लगाया? वाटसन एंड क्रिक ने पता लगाया। किसने पता लगाया? तो डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? क्लियर हो गया? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव यानी कि प्रोटो प्लाज्म, जीव द्रव यानी कि प्रोटो प्लाज्म, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यह सबसे पहले किसने दिया था, किसने कहा था? हैक्सले। भौतिक आधार का मतलब इसके बिना किसी भी जीवन का संभव
दोस्तों जीव द्रव नहीं होगा तो कोशिका मृत हो जाएंगे, अब कोशिकाएं मृत हो जाएंगे तो सजीव का अस्तित्व क्या संभव है बताइए? नहीं है, क्योंकि प्रत्येक सजीव किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, और कोशिका के जीवित रहने के लिए उसमें जीव द्रव का होना अति आवश्यक है। इसीलिए हक्सले का यह कथन है कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीव द्रव को खोजा भी कौन था और नाम भी किसने रखा? तो जीव द्रव के खोजकर्ता भी पुरकिंजे है और जीव द्रव को जीव द्रव नाम देने वाला भी पुरकिंजे है। माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं रहता है? प्रोकैरियोटिक में। किसमें नहीं रहता है? आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई भी अन्य कोशिका अंगक, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम के अतिरिक्त अन्य कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तमाम तरह के कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाए जाते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक किसमें पाया जाता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्या कहते हैं? याद कीजिए, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का रचना डबल हेलिक्स मॉडल के समान है, डबल हेलिक्स मॉडल के समान है। और डबल हेलिक्स मॉडल के भीतरी झिल्ली से उंगली के समान जो संरचनाएं निकली होती है, इस उंगली के समान संरचनाएं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम होती है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम और चयनात्मक पारगम एक दूसरे के पर्यायवाची है, यह भी जान लीजिए। अंग्रेजी नाम एक ही है, सेमी परमेबल। अंग्रेजी नाम एक ही है, सेमी। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? अंतःकोश के इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर। और इंटरसेलुलर डाइजेशन क्या होता है आपको पता है? कोशिका के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकांग जब मृत हो जाते हैं तो उन मृत कोशिकांग पर लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देते हैं, जिससे वे कोशिकांग गल करके कोशिका के बाहर निकल जाते हैं। यही कार्य क्या कहलाता है? यानी कि कोशिका को भीतर से साफ सुथरा रखने का कार्य किसका है? और भीतर से साफ सुथरा रखने के कार्य को ही क्या कहा जाता है? क्लियर? कौन सा अंगक जंतु कोशिका में उपस्थित होता नहीं होता है? लवक। लवक जंतु कोशिका में उपस्थित है, लवक केवल और केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ का कोशिकीय आणविक जीव विज्ञान आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अब कितना क्वेश्चन बचा है? ओ लगेगा दो क्लास अभी और लगेगा, क्योंकि आगे और भी ज्यादा टर्म है समझने के लिए। परासरण समझना है, विसरण समझना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक 108 क्वेश्चन का उत्तर आपके होंठ पर होनी चाहिए, उससे कम तो समझिए आप रिजल्ट ले भी आएंगे लेकिन मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए याद नहीं चाहिए, उत्तर होंठ पर होनी चाहिए, होंठ पर होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म पूरा बिहार भरा है लेकिन नौकरी केवल आपको पहले हो, इसके लिए जरूरी है। जो जरूरी है वही हम बताएं आपको। मिलिए अगले क्लास में दोस्तों। चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों से बात करने का समय मिल नहीं पाता है, फिर भी हम कोशिश रखते हैं कि किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि समय की उपलब्धता बहुत कम है और सिलेबस का आकार बहुत बड़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवाने के हम टेक्निकल टीम से कहते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसका कॉमेंट आप करिए। चलिए निकलिए ना, पिकनिक क्या मना रहे, निकलिए तेजी से। चलिए, अजय कुमार, आजाद राय, ललित, अब इतना तेजी से कॉमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या बताएं क्या हो रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक क्लास को रिपीट मोड में देखिए, और हम तो कहते हैं देखते देखते ही याद कर डालिए।